हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 बिजनेस स्टडी का टॉपिक जो कि स्टाफिंग है आपका चैप्टर टर्म टू से रिलेटेड, ये फर्स्ट चैप्टर है आपका, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रही हूँ। और आगे भी वन बाय वन मैं सारे चैप्टर से रिलेटेड जो आपके टर्म टू में आने हैं, अभी बोर्ड एग्जाम जो आपके नेक्स्ट मंथ से हैं, उसमें जो चैप्टर्स आपके बचे हुए हैं 6 चैप्टर आई थिंक, तो वो 6 चैप्टर मैं यहाँ डिस्कस करूंगी, जिनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको आंसर्स कैसे फ्रेम करने हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, या कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पॉइंट सारे चैप्टर के पॉइंट्स को कवर करेंगे, वो यहाँ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर अपना स्टाफिंग। स्टाफिंग चैप्टर से रिलेटेड अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है यहाँ पे वो है आर एसेट्स वॉक आउट ऑफ द डोर। हमारे जो एसेट्स होते हैं वो वॉक आउट ऑफ द डोर एवरी इवनिंग, यानी कि जो हमारे कंपनी के एसेट्स हैं वो हर शाम हमारी कंपनी से बाहर निकलते हैं। वी हैव टू मेक श्योर दैट दे कम बैक टू द नेक्स्ट मॉर्निंग, और हमें यह ध्यान देना चाहिए कि वो नेक्स्ट मॉर्निंग वापस हमारे पास आ जाएं। ठीक, ये स्टेटमेंट आपकी बहुत कॉमन है, कई बार आई है क्वेश्चंस में। दिस स्टेटमेंट रिलेट्स टू विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यहाँ पे किस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपकी स्टाफिंग फंक्शन की बात हो रही है। स्टाफिंग आपका एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम लोगों को रिक्रूट करते हैं। अब लोगों को रिक्रूट करने में क्या होता है, जब हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट किया जाता है या एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनको हम अपने कंपनी का क्या मानते हैं, एसेट मानते हैं। ठीक है, तो हम ये ध्यान देते हैं कि वो एसेट हर इवनिंग अपने घर जा रहा है। ठीक है, और हमें ध्यान देना है कि वो दूसरी मॉर्निंग हमारे पास वापस आ जाए। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है कि आप यहाँ कौन से फंक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, स्टाफिंग को डिस्कस कर रहे हैं, और उसी के साथ आपको इसकी क्या बतानी है, इम्पोर्टेंस बतानी है। तो वो आंसर आप किस तरीके से बेस करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे। ओके, अगर हम ध्यान दें तो ये है आपका क्वेश्चन जो उससे रिलेटेड था कि हमें क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट यूज़ हो रही है वो है आपकी स्टाफिंग स्टेटमेंट यूज़ हो रही है। स्टाफिंग की हम फंक्शन की बात कर रहे हैं और 3 इम्पॉर्टेंस यहाँ पे दिए हैं। फर्स्ट वन है इट इंश्योर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ द मोस्ट सूटेबल एंड केपेबल पर्सन फॉर वेरियस जॉब, यानी कि इम्पॉर्टेंट क्यों है स्टाफिंग हमारे लिए, ताकि हमें एक बढ़िया सूटेबल पर्सन मिले अपनी अलग अलग जॉब को परफॉर्म करने के लिए। दूसरा पॉइंट है आपका बाय प्लेसिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब इट इंश्योर्स बेटर परफॉर्मेंस, अगर हम स्टाफिंग करते हैं तो हम सही पर्सन को सही जगह जॉब दे रहे हैं और जिससे क्या होगा उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। और थर्ड पॉइंट हमारा इंपॉर्टेंस में है इट हेल्प टू अवॉइड ओवरमैनिंग अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर एंड हाई लेबर कॉस्ट, अगर हम रिक्रूटमेंट वगैरह ठीक तरीके से यानी स्टाफिंग वर्क ठीक तरीके से करते हैं तो ओवरमैनिंग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा लोगों का होना आपके यहाँ, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ का होना जितना आपके पास काम भी नहीं है। अंडर यूटिलाइजेशन मतलब होता है कि आप अपने यहाँ के एम्प्लॉय की कैपेबिलिटी को अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, एंड हाई लेबर कॉस्ट यानी कि या तो आपके यहाँ बहुत ज़्यादा लेबर कॉस्ट है, आपको बहुत ज़्यादा सैलरी वगैरह या बहुत ज़्यादा वेजेस देने पड़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप तब अवॉइड कर सकते हो जब आप स्टाफिंग फंक्शन अच्छे से कर रहे हो, या स्टाफिंग आपकी इन सारी चीज़ों में मदद करता है, इसीलिए वो इम्पॉर्टेंट है। सो दिस इज़ योर आंसर। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ न्यूली अपॉइंटेड मैनेजर। ठीक है, अ न्यूली अपॉइंटेड मैनेजर इज ऑफ द व्यू दैट देयर इज़ नो नीड फॉर ट्रेनिंग। एक न्यूली अपॉइंट ऑफिसर है, मैनेजर है, वो क्या सोचता है कि देयर इज़ नो नीड फॉर ट्रेनिंग, वर्कर्स को ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, हु हैव सेलेक्टेड आफ्टर अ रिगरस प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। इनका मानना है कि अगर हमने वर्कर को अपने यहाँ बहुत ही अच्छे से सेलेक्ट करके रखा है तो फिर हमें उसको ट्रेनिंग देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू एग्री विद दिस व्यू पॉइंट, अगर हम देखें तो ये ऑलरेडी पॉइंट काफ़ी नेगेटिव है आपका। क्यों? क्योंकि आप अगर अच्छे से सेलेक्ट करते हो एक एम्प्लॉय को तो भी आपको उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है ताकि वो काम को ठीक से समझ सके, और वही आपका यहाँ आंसर में कहा गया है। नो आई डू नॉट एग्री विद द व्यू ऑफ द मैनेजर, मैं मैनेजर के पॉइंट से एग्री नहीं हूँ। देयर इज़ अ ग्रेट नीड ऑफ ट्रेनिंग ड्यू टू द फॉलोइंग रीज़न, हमें ट्रेनिंग देनी चाहिए एक वर्कर को, भले ही हमने उसे बहुत अच्छे से सेलेक्ट किया है, काफ़ी टेस्ट वगैरह लेकर या काफ़ी अच्छे सिलेक्शन प्रोसेस से वो आया है, लेकिन फिर भी उसको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। क्यों होती है? पॉइंट नंबर 1, इट रिजल्ट इन इम्प्रूव परफॉर्मेंस इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी एज वेल एज
क्वांटिटी, उसके काम करने का जो उसकी जो परफॉर्मेंस होती है उसकी क्वालिटी में भी इंक्रीमेंट होता है, और साथ साथ वो उसकी क्वांटिटी काम करने की जो उसकी क्षमता है क्वांटिटी जो है उसमें भी इंक्रीमेंट होता है, तो इसीलिए ट्रेनिंग ज़रूरी है। सेकंड पॉइंट आते हैं, इट लीड्स टू रिडक्शन इन चांसेस ऑफ एक्सीडेंट। अगर हम ट्रेनिंग कराएंगे तो ट्रेनिंग से आपके एक वर्कर जो है या एक एम्प्लॉय जो है उसके एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाएंगे, वो गलतियाँ कम करेगा, ठीक। इसके बाद आते हैं थर्ड पॉइंट, हमसे कहा जा रहा है इट फैसिलिटेट सिस्टमैटिक लर्निंग रिजल्टिंग इन रिडक्शन इन वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। वो चीज़ों को सिस्टमैटिकली समझेगा, सिस्टमैटिकली लर्निंग करेगा, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, रिसोर्सेज को वेस्ट कम करेगा। और लास्ट आते हैं फोर्थ पॉइंट, इट हेल्प टू बिल्ड अप मॉरल एंड मोटिवेशन ऑफ दी एम्प्लॉयज। और जब वो ट्रेनिंग करके किसी काम को करेगा तो उस काम को करने में वो खुद मोटिवेट रहेगा, क्यों, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग लेकर आया है, उससे वो काम आता है, तो उसे उसमें उस काम को करने में मज़ा आएगी रादर देन उसका कन्फ्यूजन बढ़े ना। तो ट्रेनिंग अगर करके गए हैं हम कोई काम कर रहे हैं तो हमारा कन्फ्यूजन कम होगा, हमारे अंदर कॉन्फिडेंट आएगा कि यार ये चीज़ तो सीखी है मैंने, ये तो मुझे आती है, ट्रेनिंग में सिखाई गई थी, राइट। तो इसलिए ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, भले ही आपने कितने अच्छे से एक पर्सन को सेलेक्ट किया हो। देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3, आकांक्षा निकिता। ओके, आकांक्षा निकिता परिश्मा, ओके हाँ परिश्मा, आर दी ओनर्स ऑफ हैंडीक्राफ्ट यूनिट। एक हैंडीक्राफ्ट यूनिट के ये तीनों ओनर्स हैं, विच इज़ इन्वॉल्व इन दी मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग सीतल पत्ती ट्रेडिशनल मैट्स एंड जप्पी। ये तीनों के तीनों एक हैंडीक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के ओनर हैं और इनके यहाँ ट्रेडिशनल मैट्स बनाई जाती हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट दिया है, दे डिसाइडेड टू शिफ्ट दिस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट टू अ रूरल एरिया। अब ये क्या सोचे हैं, इन्होंने सोचा कि हम अपनी इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को रूरल एरिया में शिफ्ट कर देंगे, यानी कि गांव के एरिया में शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। विद एन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिड्यूसिंग दी कॉस्ट, ताकि हमारा खर्चा जो है वो रिड्यूस हो जाए, एंड प्रोवाइडिंग जॉब अपॉर्चुनिटी, और हम वहाँ के लोकल लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी भी दे दें। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, दे असेस्ड एंड एनालाइज द टाइप एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉय। इसके लिए इन्होंने किया क्या, इन्होंने एनालाइज़ किया कि हमारे यहाँ कितने तरीके के या कितने नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो हैं वो हमें ज़रूरत है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ फाइंड आउट किए हैं इन्होंने। अब आपको इसमें क्वेश्चन क्या आया है, स्टेट द नेक्स्ट 3 स्टेप्स दैट दे विल हैव टू अंडरटेक फॉर ऑब्टेनिंग अ सेटिस्फाइड वर्कर फॉर देयर हैंडीक्राफ्ट यूनिट। अब आपके अकॉर्डिंग इनके आगे के 3 स्टेप क्या होंगे जिससे ये वर्कफोर्स को सेटिस्फाई कर सके, यानी जो लोगों की इनको ज़रूरत है, जिस टाइप के लोगों की इनको ज़रूरत है, उस टाइप के लोगों की नीड को पूरा करने के लिए कौन से नेक्स्ट 3 स्टेप करेंगे, ठीक। तो अगर इसमें हम बात करें तो ये जो डिस्कस हो रहा है यहाँ पे आंसर, ये हमारा आंसर डिस्कस हो रहा है आपका प्रोसेस, ठीक है, स्टाफिंग प्रोसेस डिस्कस हो रहा है, जिसमें हमने कहाँ तक काम कर लिया है, हमने एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट कर लिया है। अब एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट के बाद नेक्स्ट 3 स्टेप कौन से आपके होते हैं, तो पहला होता है आपका सिलेक्शन, पहला होता है रिक्रूटमेंट, देन आता है सिलेक्शन, एंड लास्ट एंड देन आता है प्लेसिंग एंड ओरिएंटेशन। वैसे ध्यान दीजिएगा कि स्टाफिंग का जो आपका प्रोसेस वाला क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग, ये आपको इसके सारे स्टेप लाइन वाइज पता होने चाहिए। टोटल ओवरऑल 8 स्टेप्स होते हैं इसमें। एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट हो चुका है यहाँ पे, जिसमें इन्होंने ये फाइंड आउट किया कि इनको कितने लोगों की ज़रूरत है। अब पूछा गया है कि नेक्स्ट 3 स्टेप बता दीजिए, तो नेक्स्ट 3 स्टेप ही बताएंगे। ध्यान रखिएगा, जितना पूछा जाएगा उतना ही करना है पेपर में, क्योंकि थ्योरी बेस्ड पेपर है तो आपके पास लिखने के लिए काफ़ी कंटेंट है और टाइम उस हिसाब से कम है, तो बस उतना ही करेंगे जितना पूछा है, राइट। रिक्रूटमेंट करेंगे ये, तो रिक्रूटमेंट में क्या है, इट मे बी डिफाइन एज द प्रोसेस। रिक्रूटमेंट क्या है उसका मीनिंग आप देंगे, तो प्रोसेस एक ऐसा होता है जिसमें आप प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़ को जॉब में अप्लाई करने के लिए मोटिवेट करते हैं, यानी कि आप एक तरीके का एडवर्टाइजमेंट देते हैं, या मैं बात करूँ तो आप जॉब जो निकाले हैं उसकी वैकेंसी आप देते हैं, उसे हम रिक्रूटमेंट कहते हैं, ताकि बेस्ट कैंडिडेट आकर सेलेक्ट हो सके। देयर आर मेनी सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, आप किस किस तरीके से लोगों को रिक्रूट कर सकते हैं, यानी कहाँ कहाँ आप इनवाइट कर सकते हैं अपने यहाँ के ताकि आपके कैंडिडेट्स आकर आपके ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करें, तो एडवर्टाइजमेंट, कैजुअल कॉलर्स, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ये सारे इसके मेथड हैं। देन आते हैं नेक्स्ट स्टेप, आप करते हैं सिलेक्शन। इन दिस स्टेप राइट कैंडिडेट इज चूजन फॉर द राइट जॉब। सिलेक्शन में क्या होता है, रिक्रूटमेंट हो गया, आपके पास कई लोगों की एप्लीकेशंस आ गई, अब आप सेलेक्ट करते हो जो आपके लिए सबसे सूटेबल कैंडिडेट्स होते हैं,
फ्रॉम द पूल ऑफ कैंडिडेट, यानी बहुत सारे कैंडिडेट्स में से आप सबसे सूटेबल पर्सन को सेलेक्ट कर लेते हो. दिस प्रोसेस इंश्योर्स दैट द ऑर्गेनाइजेशन गेट बेस्ट अमंग अवेलेबल एंड इट एनहेंस द सेल्फ एस्टीम एंड प्रेस्टीज ऑफ दोज हु आर सेलेक्टेड. आपको ये ध्यान रखना होता है कि आप जिन लोगों को सेलेक्ट कर रहे हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो उनकी सेल्फ एस्टीम भी बनी रहे, उनकी प्रेस्टीज भी बनी रहे, साथ साथ वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को भी फ़ायदा दे. तो ऐसे लोगों को आप सेलेक्ट करते हो. देन आते हैं थर्ड काम आप करते हैं, जो थर्ड प्रोसेस होता है, प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन. प्लेसमेंट मीन्स ऑक्यूपाइंग द पोस्ट और पोजीशन फॉर विच द पर्सन हैज़ बीन सेलेक्टेड. फाइनली आप उसको प्लेस कर दो. जब आपने पर्सन को सेलेक्ट कर लिया वेरियस टेस्ट वगैरह लेकर इंटरव्यू के थ्रू, तो नेक्स्ट स्टेप आपका आता है प्लेसमेंट की, उसे जॉब दे देना, उसको उसकी पोजीशन दे देना जिसके लिए आपने उसको हायर किया है. देन आते हैं इसमें एक और काम होता है ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन. एम्प्लॉयज इंट्रोड्यूसिंग द सिलेक्टेड एम्प्लॉयज टू द अदर एम्प्लॉयज एंड फेमिलराइजिंग. ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि एक नए एम्प्लॉय को फेमिलराइज करना अपनी कंपनी के रूल्स एंड पॉलिसीज के प्रति, और साथ ही साथ अलग अलग एम्प्लॉय से उसका इंट्रोडक्शन करवाना, ताकि वो उस नई इन्वायरमेंट में आकर अपने आप को अनकम्फर्टेबल ना समझे, वो फेमिलियर हो जाए चीज़ों से, रूल्स रेगुलेशन से, लोगों से. ठीक, तो ये नेक्स्ट 3 स्टेप आप करते हो. इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4. Zenith Limited कंपनी का नाम है, इज हाईली रेप्यूटेटेड कंपनी एंड मेनी पीपल वॉन्टेड टू जॉइन दिस कंपनी. द एम्प्लॉई ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन आर वेरी हैप्पी एंड दे डिस्कस्ड हाउ दे केम इन कॉन्टैक्ट विद दिस ऑर्गेनाइजेशन. अमन सेड दैट ही वॉज इंट्रोड्यूस्ड. अब एक कंपनी है, उसमें लोग जो हैं, वहाँ के एम्प्लॉयज़ जो हैं, वो काम करने में बहुत ज़्यादा खुश हैं, और वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि वो किस किस तरीके से यहाँ आए थे, जिसमें से जो ये अमन है, अमन सेड दैट ही वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई दी प्रेजेंट सेल्स मैनेजर. इन्होंने बताया कि जो यहाँ सेल्स मैनेजर काम करता है, उसने मुझे इस कंपनी से इंट्रोड्यूस करवाया. मिस्टर जॉन बेनू, जो कि कौन थे, सेल्स मैनेजर कौन थे, मिस्टर जॉन. देन बेनू सेड दैट ही हैड अप्लाइड थ्रू न्यूज़पेपर. वही मिस्टर बेनू ने कहा कि मैंने तो न्यूज़पेपर में ऐड देख कर तब अप्लाई किया इस जॉब में. वॉज अपॉइंटेड एज दी मैनेजर. अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. द अबव डिस्कशन इज इंडिकेटिंग एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की बात हो रही है. तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हम पढ़ ही क्या रहे हैं, हम स्टाफिंग पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पे स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आपका आंसर होगा. नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, आपको उसी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का नाम बताना है. देन सेकेंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, द मैनेजमेंट फंक्शन आइडेंटिफाइड इन पार्ट 1. यानी जो मैनेजमेंट फंक्शन आपने ऊपर आइडेंटिफाई किया, यानी स्टाफिंग जो आपने फाइंड आउट किया आंसर, फॉलोज अ पर्टिकुलर प्रोसेस. यहाँ पे किसी प्रोसेस की बात हो रही है, जो आपने ऊपर फंक्शन लिखा है उसमें किसी प्रोसेस की बात हो रही है. एक्सप्लेन द स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस, आपको उस प्रोसेस का स्टेप बताना है विच इज़ बीइंग डिस्कस्ड इन द अबव पैराग्राफ. आपने ऊपर जो फंक्शन बताया है उसका आप प्रोसेस का, उसके प्रोसेस का आप स्टेप बताइए, ये आपसे कहा गया है. सो योर आंसर विल बी दिस. द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इंडिकेट हियर इज स्टाफिंग. अभी हमने बताया यहाँ पे कौन सा फंक्शन हो रहा है, स्टाफिंग हो रहा है. द स्टेप स्टाफिंग डिस्कस अबव इन द अबव पैराग्राफ रिक्रूटमेंट. और उस स्टाफिंग में से किस प्रोसेस की यहाँ बात हो रही है, रिक्रूटमेंट की हो रही है, कि मैं कैसे आया था, राइट, मैंने क्या देखा, या मैं एक पर्सन है मिस्टर बेनू, वो कह रहे हैं हम न्यूज़पेपर में ऐड देख कर आए, और एक ने कहा कि मुझे तो प्रेजेंट सेल्समैन ने बुलाया. ठीक है, तो ये दोनों यहाँ हो क्या रहा है, रिक्रूटमेंट की बात हो रही है. ठीक है, इट मे बी डिफाइन द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग. रिक्रूटमेंट का आप मीनिंग लिख देंगे, जो अभी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्वेश्चन में. तो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस हो रहा है यहाँ पे, जिसको आप आइडेंटिफाइड कर दोगे. बस इतना ही है यहाँ पे. ठीक, इसके बाद आते हैं आज के वीडियो के लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस करने पे. तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5. ब्लू हेवन लिमिटेड परचेज्ड अ न्यू मशीनरी फ्रॉम जर्मनी. इन्होंने एक नई मशीनरी जर्मनी से मंगाई फॉर मैन्युफैक्चरिंग सम ऑटो कॉम्पोनेंट्स. ठीक, इट वॉज अ कॉस्ट इफेक्टिव एंड क्वालिटी प्रोडक्शन मशीन. वो जो मशीन थी उसमें काफ़ी खर्चा, यानी कॉस्ट इफेक्टिव थी, वो खुद का उस मशीन का खर्चा काफ़ी था, और क्वालिटी प्रोडक्शन, उससे सामान बहुत अच्छा आपका प्रोडक्ट निकलता था आउटपुट में. मैनेजर ऑब्जर्व दैट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्शन वॉज नॉट एज पर स्टैंडर्ड. लेकिन फिर भी अच्छी मशीन लाने के बाद भी इनका जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो उतनी अच्छी शो नहीं हो रही थी जैसा स्टैंडर्ड इन्होंने सोचा था. ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वॉज फाउंड दैट देयर वॉज लैक ऑफ नॉलेज ऑफ यूजिंग दीज हाईटेक मशीन्स. अब इन्वेस्टिगेशन में इन्होंने फाइंड आउट किया कि जो
हमारे वर्कर्स हैं उनको इतनी नॉलेज नहीं है इतनी हाईटेक मशीन को यूज़ करने की। तो नेक्स्ट आगे इसमें कंटिन्यू, सो फ्रीक्वेंट विजिट्स ऑफ इंजीनियर्स वर रिक्वायर्ड फ्रॉम जर्मनी। तो इनको लगा कि जर्मनी से हमें कुछ इंजीनियर्स को बुलाना पड़ेगा, बट दिस रिजल्टेड इन हाई ओवरहेड चार्जेस। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें बहुत ज़्यादा हमारा खर्चा लगेगा क्योंकि हम जर्मनी से इंजीनियर्स को बुलाएं, वो काम करें हमारे प्रोडक्ट के लिए, तो ये काफ़ी खर्चा उनका बढ़ाएगा। सजेस्ट दैट वॉट कैन बी डन टू डेवलप द स्किल्स एंड एबिलिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयज़। तो आपके अकॉर्डिंग उन्हें क्या करना चाहिए ताकि आपके एम्प्लॉयज़ की एबिलिटीज़ और स्किल्स अच्छी हो जाए फॉर प्रोड्यूसिंग क्वालिटी प्रोडक्ट बाई यूजिंग दीज हाईटेक मशीन्स, ताकि ये हाईटेक मशीन्स अच्छे से यूज़ हो पाएँ और खर्चा भी ना बढ़े। ऑल्सो स्टेट हाउ द एम्प्लॉयज़ ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन विल बी बेनिफिटेड बाई योर सजेशन। और आपको आप जो भी सजेशन दोगे उसमें क्या ऐसा फ़ायदा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए या एम्प्लॉयज़ के लिए। सो आते हैं आंसर पे। तो इसमें अगर हम देखें तो आपके एक बाहर से मशीन मंगाई गई है और वो मशीन काफ़ी कॉस्टली है और आपको बाहर से लोगों को बुलाना पड़े ऐसी नौबत है, तो आप क्या कर सकते हो, इन ऑर्डर टू डेवलप दी स्किल्स एंड एबिलिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयज़ दी कंपनी शुड प्रोवाइड ट्रेनिंग दे दीजिए आप अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ को, वो मशीन कैसे यूज़ करनी है ये उनको एक बार आप ट्रेनिंग दे दें, अच्छे से समझा दें, तो वो उसको अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। इसमें एक चीज़ इसमें इन्वॉल्व है कि आपका ट्रेनिंग जो आप दोगे अपने एम्प्लॉयज़ को, उसमें आप ये ध्यान रखोगे कि ट्रेनिंग इतनी अच्छी हो आपकी कि या जो आपके फॉरेन के एम्प्लॉयज़ को बुलाने से बेहतर है या फॉरेन के इंजीनियर्स को बुलाने से बेहतर है कि आप क्या कर लें, आप उनको कुछ टाइम के लिए बुलाओ कि वो आकर आपके एम्प्लॉयज़ को केवल ट्रेनिंग दे दें, तो ये काम भी है। इसमें आपको साथ में ये भी बताना है कि उस जो भी आप बता रहे हो ट्रेनिंग मेथड उसका फ़ायदा क्या है, तो वेस्टेज कम होगा, एफर्ट मनी बचेगा जो कि यहाँ बहुत ज़रूरी है, देन इट एनहेंस एम्प्लॉयज़ प्रोडक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड क्वालिटी। आपकी प्रोडक्टिविटी की क्वांटिटी और क्वालिटी भी बढ़ेगी। इट प्रिपेयर फ्यूचर मैनेजर्स हु कैन टेक ओवर इन केस ऑफ इमरजेंसी। आप ट्रेनिंग दे दोगे तो आगे फ्यूचर में भी उन वो एम्प्लॉयज़ आपकी मदद कर सकते हैं नेक्स्ट नए आए एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देने में, राइट। इट इंक्रीज एम्प्लॉय मॉरल, रिड्यूस एब्सेंटिज्म एंड टर्न ओवर। नई मशीन को देखकर कई लोग नौकरी छोड़ दें या एबसेंट होना शुरू कर दें या मशीन को यूज़ करना अवॉइड कर दें, ये सारे काम वो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें अच्छी से ट्रेनिंग दे दोगे तो वो ये सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे। सो इस तरीके से आपका ये काम हो सकता है, यानी आप ट्रेनिंग दोगे और ट्रेनिंग के आपको बेनिफिट लिख देने हैं। तो आज यहाँ पे हमारा ये सेशन ओवर हुआ। आज हमने स्टाफिंग से रिलेटेड जितना शॉर्ट नोट था, शॉर्ट नोट्स की मैं बात करूँ या आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो थे वो आप कैसे आंसर करोगे या किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, आप आंसर कैसे फ्रेम करोगे वो मैंने आपको यहाँ बताया। आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा और आप इसके नोट्स जो हैं वो एज एन स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप इस तरीके से आंसर मेकिंग करेंगे तो आपके लिए इन बोर्ड्स काफ़ी बेनिफिशियल होगा। सो नेक्स्ट जो वीडियो होगा मेरा उसमें मैं नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस करूँगी आपके साथ, तो मेरे वीडियोस के साथ बने रहिए। उसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आए। बाकी अगर आपका कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।